की इस वीडियो बहुत ही गजब होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट की जरिए से दीवार पर भी कैसे देख पाएंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप एक भी जो स्टेप मिस ना करें, अगर आप एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आप जो 100% इस चीज़ को आप योग पे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर मेरे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको जो है वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकली वीडियो आपको जो प्ले करके दिखाया जाएगा, तो आपको उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन आने वाली है, तो उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोडिंग करना है। उस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है इजीली आप जो है दीवार मूवी देख सकते हैं, कहीं पर कोई भी प्लेस पर आप देख सकते हैं। और ये मेरा छोटे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी जो है स्टेप मिस ना करें, और एक भी अगर आप स्टेप मिस करते हैं तो इस चीज़ को आप 100% यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप हर एक स्टेप जो है ध्यान से देखें और मतलब इसे 100% आप यूज़ करें। यहाँ पे आपको सर्च करना है HD वीडियो सिमुलेटर, तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा HD वीडियो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो सर्च हो गया है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं ऊपर में आपको जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसे आपको जो है हरगिज इंस्टॉल नहीं करना। आपको जो सेकंड नंबर पर जो एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको वो आप मतलब इसे इंस्टॉल करना है। तो मैं जैसे देख सकते हैं इसे जो हम ऑलरेडी कर लिए हैं तो आपको यहाँ से कर लेना। यहाँ पे थोड़ा इसका राइटिंग की बात कर ले, 2 इसका रिव्यू है और 3 रेटेड है, और बंद करो इसका जो डाउनलोडिंग है तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसे आपको जो ओपन करना है, एक बार ध्यान यहाँ पे ये आपको रखना है, यहीं से आपको इस एप्लीकेशन को जो है ओपन नहीं करना, आपको होम स्क्रीन पे जाके इसे ओपन करना है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आकर के ओपन करना है, आपको कहीं भी इंस्टॉल हो क्या है मतलब ये एप्लीकेशन तो वहाँ से आपको जाकर के ओपन करना है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इसके इंटरफेस है, तो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे वीडियो आपको प्ले करके और चला करके ईजिली दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, तो इसे आप जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इतना सारा जो इसका एप्लीकेशन है, तो इस कुछ इस प्रकार के इसके इंटरफेस है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इसका स्टार्ट का बटन है, तो इससे आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद फिर से आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कट करवाना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं राइट साइड में गेट स्टार्टेड का रेड कलर में मतलब ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मतलब फिर से आपको ऐड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको दो ऑप्शन मतलब जो रेड कलर में खुल जाएगा, तो इससे आपको जो सबसे जो टॉप वाला यानी मतलब जो है वीडियो प्रोजेक्टर के ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से कार्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑडियंस मिल जाएगा, तो ऑडियंस आपको जो भी ऑडियंस में आपको देखना है तो इसे आपको जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इस ऑडियंस को हम चूज कर लेते हैं। फिर से आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कट कर देना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो जितना भी आप जो वीडियो आपके मोबाइल में रहेगा यहाँ पे आपको जो है दिखाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक वीडियो जो प्ले कर लेना था, जैसे देख सकते हैं हम ये वीडियो प्ले कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है दिवाली मूवी देख पाएंगे।